आदरणीय सभापति जी, 2003 में जब इस सदन के 200 साल हुए थे तब भी एक समारंभ हुआ था और तब भी सरकार एनडीए की थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो उस 200 में सत्र के समय जो आदरणीय अटल जी का जो भाषण था बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनकी बात करने का अपना एक लहजा था। उन्होंने कहा था कि हमारे संसदीय लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए सेकंड चैम्बर मौजूद है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि ये सेकंड हाउस को कोई सेकेंडरी हाउस बनाने की गलती न करें। ये चेतावनी अटल जी ने दी थी, इस सेकंड हाउस को कभी भी सेकेंडरी हाउस बनाने की गलती न करें। अटल जी की उन बात को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि कुछ कुछ को आज के संबंध में कुछ नए तरीके से अगर प्रस्तुत करना है तो मैं कहूंगा कि राज्यसभा सेकंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस कभी भी नहीं है और भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टिव हाउस बने रहना चाहिए। जब हमारी संसदीय प्रणाली के 50 साल हुए तब अटल जी का एक भाषण हुआ था संसदीय प्रणाली के 50 साल पर, और उस भाषण में बड़े कवि भाव से उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था, एक नदी का प्रवाह तभी तक अच्छा रहता है जब तक कि उसके किनारे मजबूत होते हैं, और उन्होंने कहा था कि भारत के संसदीय जो प्रवाह है वो हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक किनारा लोकसभा है, दूसरा किनारा राज्यसभा है, ये दो मजबूत रहेंगे तभी जाकर के लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रवाह बहुत ही सटीक तरीके से आगे बढ़ेगा। ये बात आदरणीय अटल जी ने उस समय कही थी। ये एक बात निश्चित है कि भारत फेडरल स्ट्रक्चर है, विविधताओं से भरा हुआ है, तब ये भी अनिवार्य शर्त है कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ओझल नहीं होना है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को हमने हमेशा ही केंद्रवर्ती रखना ही होगा, लेकिन हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय जो हित है इसका संतुलन भी बहुत सटीक तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे। और ये काम सबसे अच्छे ढंग से कहीं हो सकता है तो इस सदन में हो सकता है, यहाँ के माननीय सदस्यों के द्वारा हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में हम निरंतर प्रयासरत हैं। राज्यसभा